हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बीए क्लासेस। देखिए कल हमारा लेक्चर डिलीवर नहीं हो सका है, अपलोड नहीं हो सका, तो आज देखिए मैं करने जा रही हूँ अपना जो हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन है 105, इसका यूनिट थर्ड स्टार्ट करने जा रही हूँ, जो है एजुकेशन ऑफ इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड मेंटली टारगेट चिल्ड्रन। उसका मीनिंग करना है, क्लासिफिकेशन करनी है, एटियोलॉजी करनी है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल इंट्रोडक्शन एंड एजुकेशनल प्रोविजन फॉर इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड चिल्ड्रन। ये हमारा यूनिट थर्ड का फर्स्ट सब यूनिट है। इसमें मीनिंग, क्लासिफिकेशन, एजुकेशन प्रोविजन बताना है जो मेंटली रिटार्डेड होते हैं या इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड चिल्ड्रन होते हैं उनके बारे में। कल देखिए आप, स्टूडेंट्स विद मेंटल टर्डिशन और टर्म डैस मेंटली टर्डिड बोलता है, जिनको बोलते हैं स्टूडेंट्स विद मेंटली टर्डिशन और टर्म डैस मेंटली टर्डिड बोलते हैं, या एजुकेशनली टर्डिड भी बोलते हैं, या एजुकेशनली हैंडीकैप्ड और मेंटली हैंडीकैप्ड बोलते हैं, जिनको बोलते हैं मेंटली टर्डिड चिल्ड्रंस बोलते हैं, और आल्सो टर्म डैस को और क्या बोलते हैं, एजुकेशनली टर्डिड भी बोलते हैं हम, एजुकेशनली हैंडीकैप्ड और मेंटली हैंडीकैप्ड जिन्हें थोड़ा माइंड में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। सिविली हैंडीकैप्ड एंड स्टूडेंट्स विद सिग्निफिकेंटली लिमिटेड इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी, उनकी जो इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी होती है वो लिमिटेड होती है। चिल्ड्रंस हु के नॉट मेंटली फंक्शन आर कॉल्ड मेंटली टर्डिड चिल्ड्रन, मतलब वो मेंटली फंक्शन मतलब एबनॉर्मल होते हैं, इसलिए उन्हें कहते हैं मेंटली टर्डिड चिल्ड्रन। मेंटली टर्डिड चिल्ड्रन आर दोज चिल्ड्रन हु डेविएट फ्रॉम द नॉर्मल चिल्ड्रन इन नेगेटिव साइड ऑफ डायमेंशन, बोलता है जो नॉर्मल चिल्ड्रन उनसे डेविएट किए होते हैं, तो अलग अड्डा क्रॉस किए होते हैं, इसलिए उन्हें बोलते हैं मेंटली टर्डिड चिल्ड्रंस। देर इज वन ऑफ द नेशन मोस्ट एक्सटेंसिव हेल्थ एजुकेशन एंड वेलफेयर प्रॉब्लम ड्यूरिंग एंशियंट टाइम्स, द मेंटली हैंडीकैप वर ऑफन रिजेक्टेड बाई द सोसाइटी दो एज दोज हैंडीकैप वर थॉट टू पोजेस बाई डायमंड्स, बट नाउ देर इज अ ग्रेटर एक्सेप्टेंस एंड अवेयरनेस अबाउट दैम अमंग द जनरल पब्लिक। मेंटल हैंडीकैप इज होवर, बोलता है कि जो एंशियंट टाइम का जो मेंटल टर्डिड बंदे होते थे, चिल्ड्रंस होते थे, उन्हें सोसाइटी से क्या रिजेक्ट ही कर दिया जाता, उनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती थी, उन्हें बिल्कुल एक अलग कैटेगराइज किया जाता, बट आज के जो मॉडर्न ज़माने में क्या है, ऐसा नहीं किया था, उनके लिए भी अलग अलग प्रोग्राम, एजुकेशन सिस्टम प्रोविजन बनाए गए हैं। अब देखिए डेफिनेशन ऑफ इंटेलेक्चुअली डिसेबल मेंटली टर्डिड चिल्ड्रंस की, ये अलग अलग एक्सपर्ट्स ने अपनी अपनी डेफिनेशन दी हुई हैं। अब देखिए रोजन फॉक्स एंड ग्रीगोरी, मेंटल टर्डिशन रेफर्स टू अ क्रोनिक कंडीशन प्रेजेंट फ्रॉम द बर्थ और अर्ली चाइल्डहुड, विच इज कैरेक्टराइज बाई बोथ इम्पेयर इंटेलेक्चुअल फंक्शन एज मेजर बाई स्टैंडर्डाइजेशन टेस्ट एज इम्पेयर अडेप्टेशन टू द डेली डिमांड्स आर द इंडिविजुअल सोशल एनवायरमेंट। बच्चे का बर्थ होता है तो कईयों को बाई बर्थ होती है, कईयों की दो तीन साल के बाद किसी को इंजरी हो जाए माइंड में, ब्रेन में, तो सिर पर लग जाए तो उससे भी हो जाते हैं मेंटल टर्डिड, ठीक है, ये होता है बाई बर्थ होती है, इसलिए मेंटल टर्डिशन। कुछ डेफिनेशन अलग अलग दी हुई एक्सपर्ट ने, पेज ने, ब्रिटिश मेंटल डेफिशिएंसी एक्ट देख लीजिए एंड ट्राइड गोल्ड, ये कुछ डेफिनेशन पे टाइम फोकस करने की जरूरत नहीं है, डेफिनेशन आप देख लीजिएगा। तो डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ डिसऑर्डर्स अमेरिकन इंस्टीट्यूशन ऑफ मेंटल ट्रेडिशन, अलग अलग ने क्या क्या बताया हुआ है, एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, सार्सोन एंड ऑरिस एंड हर्बर, ये कुछ हैं आप देख लीजिएगा डेफिनेशंस, विदाउट टाइम वेस्टिंग किए इन पे हम चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। ट्राई गोल्ड फिर देख लो, DSM-4 एंड ग्रॉसमैन बैंड्रा डोल, देखिए कुछ बच्चे बोलते हैं कि उनको क्लियर दिखाई नहीं देता है, तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मेरा कैमरा क्वालिटी थोड़ी कम है, तो इसके लिए आप क्या करिए, अपनी सेटिंग में जाइए यूट्यूब की, वहाँ पे आप क्वालिटी 360 करके तो देखिए शायद देख जाए, या 480 करके देख लें। तो आप देखिए क्लासिफिकेशन, आप इंटेलेक्चुअली डिसेबल मेंटली टर्डिड चिल्ड्रन बोलते हैं, आप इनकी क्लासिफिकेशन कितनी कैटेगरीज में आप नीचे वो इनको कैटेगराइज किया जाए, इंफ्लुएंस विद माइल्ड मेंटल टर्डिशन समटाइम्स आर कॉल्ड एजुकेबल मेंटल टर्डिड, बोलता है जिनको माइल्ड मेंटल टर्डिशन होती है उनको उसको बोलते हैं एजुकेबल मेंटल टर्डिड। दी रिप्रेजेंट मोर देन 90% ऑफ ऑल स्टूडेंट्स विद मेंटल टर्डिशन, बोलते हैं 90% जो स्टूडेंट्स होते हैं वो मेंटल टर्डिड होते हैं। इंटेलिजेंस टेस्ट स्कोर्स आर यूज टू डिफेंड अदर्स लेवल्स ऑफ मेंटल टर्डिशन, इंटेलिजेंस टेस्ट एक होता है वो कुछ लेवल्स पे करवाया जाता है मेंटल ट्रेडिशन चेक करने के लिए। स्टूडेंट्स विद मॉडरेट ट्रेडिशन समटाइम्स आर कॉल्ड ट्रेनेबल मेंटल ट्रेडिड, स्टूडेंट विद सीवियर प्रोफॉर्म ट्रेडिशन नीड टू ऑन गोइंग असिस्टेंस, मोस्ट एरियाज ऑफ प्रैक्टिकल लिविंग स्किल्स आर जनरली मोर डिपेंडेंट ऑन अदर फॉर केयर। अब देखिए कौन से प्रॉब्लम्स होती है, सीवियरिटी अब IQ रेंज देखिए, बोलता है जो माइल्ड होते हैं, माइल्ड ट्रेडिड होते हैं, जो मतलब माइल्ड मतलब होते हैं बच्चे, उनका जो IQ लेवल होता है वो 50 to 55 होता है,
जो मेंटल टारगेट से जो होते हैं कैटेगरी में आते हैं उनका आई क्यू लेवल 50 to 55 की रेंज में या 70 to 75 की रेंज में, 50 से लेकर 75 की रेंज तक जो बच्चे आते हैं उनको माइल्ड टारडिशन बोलते हैं, माइल्ड मेंटली टारडिश्ड। जो मॉडरेट लेवल में आते हैं वो 35 से लेकर 55 के बीच का ये जो एज ग्रुप होता है बोलते हैं, ये जिनका आई क्यू लेवल इतना होता है उसे कहते हैं मॉडरेट। जो सीवियर होता है 20 से लेकर 40 तक परसेंट जो होते हैं इनकी मेंटल टारडिशन होती है, और जो प्रोफाउंड होते हैं बिलो 20-25 के बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में होते हैं मेंटल ट्रेडिशन गोल से कहते हैं प्रोफाउंड लेवल में आते हैं वो, और उनका आईक्यू रेंज होती है 20-25। मेंटल ट्रेडिशन कवर से वाइड रेंज ऑफ बिहेवियर्स फ्रॉम स्लो लर्निंग टू सीवियर मेंटल एंड फिजिकल इंप्रूवमेंट। और जो इंटेलिजेंट होगा उसका जो इंटेलिजेंस पावर होगी वो ज़्यादा होगी, तो उसके लिए एक डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है, बच्चे का आई क्यू लेवल चेक किया जाता है इसमें। लेवल्स ऑफ मेंटली इंटेलेक्चुअल डिसेबल मेंटल ट्रेडिशन आपको कौन से लेवल से माइल्ड मॉडरेट सीवियर प्रोफाउंड अपन सबको एक्सप्लेन किया गया है कितना कितना अप्रॉक्सीमेटली उसका आई क्यू लेवल होता है, ठीक है ये देख लीजिएगा इसमें। ठीक है तो नेक्स्ट देख लीजिए मॉडरेट रिटार्डेशन, ये 40 to 55 के बीच में जो रेंज के होते हैं। तो नेक्स्ट सीवियर रिटार्डेशन देन प्रोफाउंड रिटार्डेशन, ठीक है ये है आपका। मेरे पास अगर इसके हैंड रिटन नोट्स हैं वो जब ये कंप्लीट हो जाएगा यूनिट 3 में वो लास्ट में अपलोड कर दूँगी वो भी, ठीक है। अब देखिए इटॉलॉजी ऑफ इंटेलेक्चुअल रिटार्डेशन, अब इसकी इटॉलॉजी क्या है जल्दी जल्दी से देख लेते हैं। इटॉलॉजी मीन्स इटॉलॉजी द काजेज ऑफ इंटेलेक्चुअल मेंटल रिटार्डेशन कैन बी प्री नेटल पेरी नेटल एंड पोस्ट नेटल। अब प्री नेटल काजेज ऑफ इंटेलेक्चुअल रिटार्डेशन क्या होते हैं देखिए, बोलते प्री नेटल वो होते हैं जो बच्चे के जब बच्चा माम के वोम में आता है तो बर्थ में ना बर्थ से पहले वोम ऑफ द मदर में ही वो बच्चे को प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। जब बच्चे का बर्थ होता है वो ऑलरेडी ही उस प्रॉब्लम से सफ़र होता है, ठीक है। वो हेरिडेटरी हो सकती हैं, अब इसमें नीचे आ गए हेरिडेटरी में मोनगोलियो डाउन सिंड्रोम, ठीक है, जो क्रोमोसोम 46 होता है इंस्टेड ऑफ 47 क्रोमोसोम्स हो जाता है, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट देखिए इसमें इसी में आती है टर्नर सिंड्रोम एंड क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम, ठीक है। नंबर वन कौन सी प्रॉब्लम आ गई, नंबर वन हो गया आपका जो प्रीनेटल जो बच्चे के वोम ऑफ द मदर से स्टार्ट हो जाती है दैट इज ए टर्नर सिंड्रोम एंड डाउन सिंड्रोम एंड क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम। देन दूसरा का जो होती है हेरिडेटरी, जो हेरिडेटरी होती है मेटाबॉलिक एंड न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स होते हैं गैलेक्टोसोमिया एंड प्लेनकीटोनोरिया पीकेजू एंड क्रिडिन, ठीक है ये कुछ है। तो नेक्स्ट देखिए अब माइक्रोसेफेली एंड हाइड्रोसेफेली, माइक्रोसेफेली और हाइड्रोसेफेली कुछ होती है प्रॉब्लम मेटाबॉलिज्म में। दैन ट्यूबरक्लोसिस साइलोकोसिस एंड स्कैरेनियम एंड न्यूरोफाइब्रोमाइटोसिस, ठीक है। तो नेक्स्ट वन देखिए इनसेल्फिटिस मैग्नेटिसिस एंड इंटॉक्सिकेशन एंड मैटरनल सिकनेस एंड मदर फ्यूटल ब्लड ग्रुप इनकम्पैटिबिलिटी। अब आ गया प्रीनेटल काजेज ऑफ इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन, अब प्रीनेटल्स कौन सी होती है, दीज आर दोज काजेज विच प्रेजेंट टाइम ऑफ बर्थ ऑफ डिलीवरी ऑफ चाइल्ड, मतलब बर्थ जब होता है डिलीवरी के टाइम में जो प्रॉब्लम आ जाती हैं उसको बोलते हैं प्रीनेटल। कभी गलत इंजेक्शन लग जाने से कुछ के कारण कुछ इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी करें डॉक्टर कुछ कर दें तो प्रीमैच्योर डिलीवरी हो जाए ऐसे, ठीक है। हेड ऑफ ट्रॉमा एंड इमोशनल शॉक्स की वजह से उम्र क्या होता है बच्चे का जब बर्थ हो या माँ किसी सदमे बच्चे को प्रेशर पड़ जाता है तो ये हो गया। एंड पोस्ट नेटल काज ऑफ इंटेलेक्चुअल डिटेशन प्रेजेंट आफ्टर बर्थ और लाइफ टाइम, आफ्टर बर्थ मतलब जन्म के बाद और लाइफ टाइम में कभी भी कुछ भी हो सकता है, एक्सीडेंटल कोई हो जाए, माल न्यूट्रिशन, लैक ऑफ बैलेंस डाइट, वायरल इन्फेक्शन हो जाए कोई, जैसे अभी इन्फेक्शस डिजीज लाइक रोबीला मलेरिया हो जाए, लैक ऑफ प्रॉपर हाइजीन, ओवरडोज कोई दवाई खा लो ना लाइक क्विनाइन, स्ट्रिप्टोमाइसिन, लैड पॉइजनिंग रिजल्टिंग फ्रॉम ईटिंग पॉइंट प्रिंटिंग वर्क फर्नीचर टॉयज एंड लो सोशल इकोनॉमिक स्टेटस एंड एप्लेक्सी और सडन फिट्स, ठीक है। यहाँ तक था आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन, ये भी देख लीजिएगा, हमें जल्दी जल्दी से आपको दिखा लेती हूँ ये आइडेंटिफिकेशन। तो ये यहाँ तक है आइडेंटिफिकेशन, स्पेस फुल हो गई है मेरी। तो इंटेलेक्चुअल डिसेबल चिल्ड्रन उसका एजुकेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए, ये वन पेज, ये पेज नंबर टू एजुकेशन सिस्टम प्रोग्राम्स कौन कौन से हैं ये देख लीजिएगा, ये देख लीजिएगा, ये जल्दी जल्दी से मैं कर रही हूँ, ये 3 पेज नंबर, ये 4,
ये फाइव एजुकेशनल प्रोग्राम्स फॉर कस्टडी इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड चिल्ड्रन से, उनके लिए क्या क्या एजुकेशनल प्रोग्राम्स होते हैं ये भी देख लीजिएगा। तो इसी के साथ ये आपका कंक्लूजन और यहाँ पे आपका यूनिट थर्ड का फर्स्ट यूनिट कंप्लीट होता है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। सॉरी मैं ये लास्ट वाला एक्सप्लेन नहीं कर सकी क्योंकि मेरी स्पेस फुल हो गई थी, इसलिए सॉरी। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।